हेलो दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भुआ भतीजा जोड़ी में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज शनिवार का दिन था और हम कहीं घूमने गए थे। घूमने इसलिए गए थे कि घर में दो मेहमान आए हुए थे। वैसे उन्हें मेहमान तो नहीं कह सकते, हम परिवार के सदस्य हैं वो हमारे, लेकिन काम की वजह से कभी कभार उनका आना होता है, तो एक तरह से वो मेहमान ही थे। दो बच्चे आए हुए थे, अपने काम की वजह से वो बाहर रहते हैं और हम यहाँ गांव में अकेले रहते हैं, बुआ भतीजा उनके फूफा जी। तो उनके आने से घर में एक अलग ही रौनक आ गई, क्योंकि बच्चे जब घर से दूर होते हैं तो घर में एक थोड़ा सुनसानपन, सन्नाटा सा आ जाता है, लेकिन उनके आते ही घर में एकदम अलग ही रौनक आ गई। और पहले हमने खाना वाना खाया और उसके बाद हम घूमने के लिए, हमारे पास गांव के पास ही एक गांव है जहाँ एक मंदिर है बहुत बड़ा, भगवान हनुमान जी का, बालाजी का, और एक मंदिर है अंजनी माता का। उन दोनों मंदिरों में हम घूमे, बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके। वो मेरे जीवन का क्वालिटी टाइम था, अच्छा दिन था आज का। तो चलो आपको दिखाएं हमने क्या किया आज। यहाँ पर दोस्तों आज निर्मल भैया और मांगी भैया आए हुए हैं। निर्मल भैया के दोस्त मांगी भैया आज आए हुए हैं, तो बुआ जी आज उनके लिए स्पेशल खाना बना रही है। देखते हैं क्या बनाया हुआ है। ओ हो, बड़े क्या कहना, इस चीज के बने हैं दाल की। ये देखिए क्या क्या लगा है इसमें। इसमें गूंदली, हरी मिर्च, दाल डली है जो दलकर अंदर डाली गई है। देखिए यहाँ पर बड़े के साथ साथ वाव, गाजर का हलवा, मतलब बहुत ही गजब खाना बनाया गया है आज। यम्मी। चलो अब इन भैया को खुद ही पूछ लेते हैं, उनको कैसा लग रहा है ऐसा खाना देखकर। नमस्ते गाइस, मेरी माता श्री ने आज इतना अच्छा खाना बनाया है। ऑब्वियसली शी इज वेरी ऑसम कुक। और ओके, तो दोस्तों खाना खाकर हम आ चुके हैं पुंडरासर धाम, बालाजी के मंदिर। और बालाजी के मंदिर के बाद हम यहाँ आए थे, अंजनी माता का मंदिर है। जैसे ही हम पुंडरासर गांव से निकलते हैं वैसे ही अंजनी माता का मंदिर बना है। काफ़ी खुले क्षेत्र पे बना हुआ है ये, क्योंकि जब पुंडरासर से निकलते हैं उससे आगे हैं तो यहाँ देखें आप भव्य मंदिर है। धीरे धीरे ये जो स्तंभ बने हुए हैं, खम्भे बने हुए हैं, बहुत सुंदर नक्काशी की हुई है इन पर। और शांत वातावरण है, आप गौर से सुने, आंखें बंद करके इसको महसूस करने की कोशिश करें कि इतने शांत वातावरण में कि चिड़ियों की जो चहक है, पक्षियों का जो बोलना, वो स्पष्ट सुनाई दे रहा है। और इसमें जो नक्काशी की गई है, इसके छत को देख सकते हैं आप, चाहे इसके पिलर देखें, बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है, चारों तरफ स्तंभ स्तंभ है। और हाँ, ये देखिए सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है ये मंदिर, अपने आप में एक अद्भुत है। ग्रामीण क्षेत्र में भी इतनी सुंदर और व्यवस्थित ढंग से इसको बनाया गया है, काफ़ी विशाल मंदिर है। ये देखिए इसके जो स्तंभ हैं, खम्भे हैं, उनके देखो बारीकी से नक्काशी की गई है। ये दरवाज़ा है जो चांदी का बना हुआ है। ये फिर स्तंभ देखें आप, यहाँ आपको अमूमन सभी देवताओं की, ये गणेश जी की प्रतिमा है, सभी देवताओं की प्रतिमा मिलेगी।
यहाँ जो फ़ोटो के शौकीन हैं हमारे बच्चे, वो फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। शायद ये शौक इन्हें अपनी मम्मी से ही मिला है। ये देखिए राधा कृष्ण जी की मूर्ति है यहाँ पे, और ये स्तंभ देखिए, चारों तरफ ऐसे स्तंभ बने हुए हैं और ये सारे संगमरमर के हैं, मार्बल के हैं। ये बाहरी दृश्य देखिए मंदिर का। और एक ख़ास बात है इस मंदिर की कि ये मंदिर गांव से बाहर है, तो वातावरण एकदम पूरी तरह से शांत है। और एक और विशेषता है कि इसके जो ये स्तंभ जोड़े गए हैं आपस में, इनमें कहीं पर भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, पानी और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इतना विशाल मंदिर बनने के बावजूद भी। कि यहाँ के जो मिस्त्री, इसको बनाने वाले मिस्त्री थे, वो बाहर से बुलाए गए थे, और कोई केमिकल था जिसको जोड़कर पहले इन पत्थरों को नकाशा गया था, तराशा गया था, फिर इन पत्थरों को एक दूसरे पे जब जोड़ा गया, रखा गया, तो कोई केमिकल था, मुझे पूरा नाम पता नहीं है उसका, और उसको जोड़ कर ये बनाया गया था। जब ये निर्माणाधीन था तब भी हम एक दो बार गए थे। देखिए दूर से कितना सुंदर व्यू आ रहा है इसका, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ थे जो खेल रहे थे अपने माता पिता के साथ, ये देखें। और बहुत ही शानदार दृश्य था, पूरी तरह से प्रकृति के बीच में इस तरह से बच्चों का खेलना, अटखेलियाँ करना। ये देखिए ये बच्चे, अच्छा बाहर जैसे निकलते हैं वहाँ पे पार्क बना हुआ है, ये बच्चे फिर फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये दोस्त है निर्मल का, बहुत शालीन बच्चा है, ये भी फोटोग्राफी का शौकीन, फोटोग्राफी करवा रहा है और ये इसका दोस्त कर रहा है। ये इधर बड़ा पार्क बना हुआ है, एक्चुअली अभी तो क्या है, दोपहर का समय है, धूप है काफ़ी, तो यहाँ बच्चे खेल नहीं रहे हैं। बाकी जब भी हम जाते हैं पूरे परिवार के साथ, यहाँ बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, तरह तरह के पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देखें बहुत सुंदर फूलों के पौधे हैं, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, चारों तरफ हरियाली है, तो मतलब मरुस्थल में इस तरह का वातावरण। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? छोटा सा प्रयास था कि मेरे गांव के आसपास जो मंदिर हैं, जो घूमने लायक देखने लायक जगह हैं, वो आप सब देख पाएँ, और आप भी मौका मिले तो वहाँ ज़रूर आएँ। क्योंकि आज जहाँ हम गए थे वो बहुत ही शांत वातावरण में था, प्रकृति के बीच में इस तरह से समय बिताना अपने आप में एक सुखद एहसास होता है, और ख़ास करके जब बच्चे साथ हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो आशा करती हूँ आपको ये मंदिर पसंद आया होगा, जब भी समय मिले आप यहाँ ज़रूर आएँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ताकि हमें आने वाले वीडियो में हम उन कमियों को और दूर कर सकें और आपके लिए कुछ और बेहतर, कुछ और अच्छा आपके साथ लिए लेके आ सकें। धन्यवाद।